इस हौसले को देख हैरान हो जाएंगे आप, इस जुनून को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाथ नहीं है, हौसला है, जुनून है। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है, और इस चाह को हकीकत में बदल दिखाया है मुंगेर के नंदलाल ने। हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र के संत टोला में रहने वाले नंदलाल अपने पैर के सहारे इतिहास लिख रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बचपन में बिजली के करंट की चपेट में आने से अपना दोनों हाथ गंवाने वाले नंदलाल अपनी मेधा और आत्मबल के बूते सफलता की राह पर निकल गए हैं। दिव्यांग नंदलाल बीए पार्ट वन की परीक्षा आरएस कॉलेज तारापुर में दे रहे हैं। हाथ ना होते हुए भी पैर के सहारे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नंदलाल के पिता अजय सा संत टोला के पास एक गुमटी नुमा दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2019 में नंदलाल ने इंटर की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया था। उसे 500 में से 325 नंबर मिले थे। 2017 में मैट्रिक की परीक्षा में भी उसे पहला स्थान मिला था। इन परिणामों को देखकर साफ होता है कि नंदलाल में पढ़ाई का कुछ करने का जुनून है। दोनों हाथ ना रहने के बावजूद बेहद कठिन माने जाने वाले स्नातक की परीक्षा में अपनी कड़ी मेहनत के बूते सफलता की कहानी लिखने के लिए वो बेताब दिख रहा है। वे अभी आरएस कॉलेज तारापुर में स्नातक की परीक्षा पैर से लिखकर दे रहे हैं। नंदलाल खुद बताते हैं कि उनके दादाजी ने उन्हें हिम्मत दिया और पैर से लिखना सिखाया। 2017 में मैट्रिक परीक्षा पास करने पर तत्कालीन एसटीओ संजीव कुमार ने उन्हें 1 लाख की राशि भी दी थी। नंदलाल का लक्ष्य बीए करने के बाद बीएड की पढ़ाई करने का है। उन्होंने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा है, पर परिवार की आर्थिक स्थिति खस्ता होने के कारण काफी समस्या है। लेकिन हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। नंदलाल इसका बेहतरीन उदाहरण बन गए हैं। न्यूज़ लाइफ डेस्क, पटना।